वैसे तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही इजी प्रोसीजर है, बट हाँ ये एक प्रोसीजर है, ये एक सर्जरी है। इसके बाद में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि आपके बाल अच्छे से ग्रो करें, नेचुरल डेंसिटी आए, जितने बाल लगाए हैं वो सारे ग्रो करें, अपरूट हो। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 हफ्ते तक तो स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना है, और 4 से 5 दिन जो आपको नॉर्मल सेलाइन का स्प्रे दिया हुआ है वो रेगुलर करना है आपको। जो प्रिकॉशंस हैं वो फॉलो करने हैं, जैसे कि 3 से 4 दिन स्वेटिंग अवॉइड करनी है, 1 महीने के लिए स्विमिंग या हेलमेट पहनना अवॉइड करना है, 2 हफ्ते तक हैवी जिमिंग अवॉइड करना है। हाँ, और 2 हफ्ते के बाद से जो हम आपको मल्टीविटामिन और लोशन देते हैं मिनोक्सिडिल का, वो लगाना चालू करना है। अगर आपने ये सारी चीज़ें अपने सर्जन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, बहुत हाई डेंसिटी होगी और बहुत ही नेचुरल हेयर लाइन होगी, और आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड होंगे। सो प्लीज़ ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए।